नमस्कार, मैं हूं अमोल और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे देसी कलाकार इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का मकसद है कि नागपुर के उन कलाकारों से आपको रूबरू करना जिन्होंने कला इस क्षेत्र को अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दिया है और इस कला क्षेत्र में अपना एक बहुत अच्छा नाम जो है वो बनाया है। और आज हम नागपुर की एक ऐसी ही आवाज़ से आपको मिलाने जा रहे हैं जो रोज़ सुबह नागपुर को अपनी आवाज़ से जगाता है और वो एक बहुत अच्छे, मैं कहूँगा कि सिंगर है, बहुत अच्छे डांसर है, बहुत अच्छे परफॉर्मर भी हैं और तकरीबन पिछले 25 सालों से वो नागपुर के कला क्षेत्र में अपना नाम और अपने पाँव जो है वो दोनों जमाए रखे। वैसे कौन है वो कलाकार? शायद आप में से कई सारे लोगों ने पहचान लिया होगा, जिन्होंने नहीं पहचाना उन्हें मैं बता दूँ कि आज हम मिलने जा रहे हैं माँ FM के RJ राजन से। वैसे माँ FM के RJ राजन को तो कई सारे लोग जानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी, उनकी असल ज़िंदगी, और मैंने कहा कि वो एक सिंगर भी है, डांसर भी है, तो ऐसी कई सारी बातें जो है आज हम उनसे करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं और इसलिए आज मैं थोड़ा स्टूडियो के बाहर हूँ क्योंकि हम उनके स्टूडियो जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे माँ FM RJ राजन से मिलने के लिए माँ FM के स्टूडियो। चलिए। तो चलिए, एक बहुत ही लंबा सफ़र तय करके जो है हम माँ FM के स्टूडियो पहुंच गए। जो लोग नागपुर में रहते हैं उन्हें पता है कि पंचशील और सदर में डिफरेंस कितना है, लेकिन ये डिफरेंस है टेलीविजन से लेकर रेडियो तक का। और हमारे साथ है द वन एंड ओनली वन, हमारे नागपुर की सुबह की आवाज़, RJ राजन। थैंक यू भाई। तो बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारे लोग हैं जो RJ राजन को तब से जानते हैं जब राजन शायद स्टेज पर होंगे, कुछ लोग राजन को तब से जानते हैं जब उनको वो सुनने लगे तब शायद, और कई सारे लोगों ने राजन की अलग अलग कहानियाँ बताई है, कई सारे लोगों ने अखबार में पढ़ी होगी, कई सारे लोगों ने फेसबुक पे देखी होगी, कई सारे लोगों ने रेडियो पर भी सुनी होगी, लेकिन आज पहली बार ऐसा होगा कि RJ राजन खुद आपको सीधे लाइव बताएंगे हमारे VKB के माध्यम से, और सारे जवाब वो बेबाकी से ही देते हैं तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहला सवाल तो यही है, रेडियो पर तो हम सबसे बाद में आएंगे, शुरुआत कैसे हुई राजन की जिंदगी की एक कलाकार के तौर पर? एक्चुअली कैसा है कि मैं डांस, मेरे को बहुत पसंद था, आई वॉज अ डांसर। तो पुलगांव करके एक छोटा गांव है यहाँ से, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन भी किया, सब सारी चीज़ें मेरे वहीं से। तो डांस का बड़ा शौक था, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा डांसर बनना है। तो डांस के शौक की वजह से, मतलब हमारे पुलगांव में गणपति उत्सव बहुत बड़ा है, सालों से, बरसों से मनाया जा रहा है, तो वहाँ पर 40 गांव का बैंड आता था। तो वो बैंड पे डांस करना बहुत बड़ी बात होती थी और अकेला मैं रात भर डांस करता था। रात भर? यस, गणपति में पूरी वो मेरा, मतलब वो फिटनेस आज भी है राजन नहीं नहीं, वो पूरी गांव में घूमता था ना, फिर सुबह सुबह वो विसर्जित होता। हाँ, तो मतलब बहुत बड़ा, तो तब मेरे को गाँव में सभी जानते थे कि भाई डांस करता है, डांस करता है। लेकिन गाँव, मतलब छोटा सा गांव, वहाँ पर लोग है ना, मज़े भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डांस के इतना क्रेज़ था कि कोई अगर पान ठेले पे भी डांस करवा दे, डेक पे आवाज़ लगा के, तो कर लेते थे क्या? लोग हंसते थे और कुछ लोग ये बोलते थे कि नहीं यार, ये कुछ बनेगा आगे चल के, मतलब उन लोगों की उम्मीद थी। बहुत सारे लोग बोलते थे लड़का ऐसे ही क्या, मतलब कोई मतलब नहीं है, नाचते रहता है, ये करते रहता है, कुछ नहीं कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि ये आगे चल के कहीं ना कहीं हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। बस ऐसे ही था। और थोड़े दिन खराब थे घर के, दिन खराब होने की वजह से मम्मी ने, मेरे मामा नागपुर रहते हैं, तो मम्मी ने मेरे मामा को बोला कि भाई ये लड़का इधर उधर घूमते रहता, क्रिकेट खेलते रहता, कुछ नहीं काम धंधा करता, लेके जाओ इसको कुछ काम वाम के लिए लगाओ। तो मैं फिर नागपुर आया। वैसे मेरी, मतलब
तो फिर मैं नागपुर आया। नागपुर आने के बाद मेरे मामा लोग मेरे को बहुत चाहते थे, उनको पता था मेरे को फिल्मों का शौक़ है, तो मेरे मामा फिल्में वगैरह दिखाते थे, सब करते थे। फिर धीरे धीरे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ना चालू किया वैकेंसीज़ क्या है। अच्छा, तो कहीं ज्वेलर्स के यहाँ एक वैकेंसी थी सेल्समैन की, तो मैं गया वहाँ पर। तो सारे सर्टिफिकेट वगैरह मेरे पास इतने थे क्योंकि स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छा था, सारी चीज़ों में बहुत अच्छा था। तो मैं गया, जाने के बाद लेकिन उन्होंने बोला कि भाई आप छोटे हो, नहीं हो सकता, मतलब अच्छा उम्र थोड़ी कम है। हाँ, उम्र थोड़ी कम है। मैं उस समय शायद फर्स्ट ईयर में था। ओके, फर्स्ट ईयर में था मैं मेरे यहाँ, तो अर्न एंड लर्न के हिसाब से मैं यहाँ पर आया। तो ऐसा करते करते कुछ नहीं मिला, तो एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि राइटर चाहिए ओपी सिंह अकेडमी में। मैं हमेशा जब किसी कलाकार से बात करता हूँ तो वो इस एडवर्टाइजमेंट का जिक्र बड़ा करते रहे, ओपी सिंह जी की 24/7 पूरे 12 महीने आती थी। तो मैं गया, तो उस समय लीडिंग न्यूज़पेपर के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उनका काम था, वो ग्लैमर वगैरह लिखते थे। तो उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया गोविंदा के ऊपर, लिखिए। एंड मैं लिटरेचर पढ़ रहा था, मेरा इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट ईयर था उस समय। तो एक गाँव का आदमी कैसे गॉसिप लिखेगा, तो मैंने एक नॉर्मल साहित्यिक अंदाज में लिख दिया। तो उन्होंने बोला कि बेटा हमें गॉसिप लिखने वाला चाहिए, कोई इस तरीके के लिखने वाला नहीं चाहिए, आप जाओ बाद में आना। मैंने, मेरे को हार नहीं माननी थी, मैंने बोला सर मैं गाता भी हूँ और मैंने खुद के गाने भी बनाए हुए हैं। तो बोले ठीक है, पीछे प्रैक्टिस रूम था उनका नेताजी मार्केट के पीछे, तो पीछे भेजा उन्होंने। पीछे भेजने के बाद पूरी प्रैक्टिस चल रही थी, तो मैं सिंगिंग तो उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था मेरा। तो मैंने वहाँ पर फिर अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए गाने का रैप गाया था, मामा सी मामा सा मम्मा कोसा दिल का मेरी जाके है भरोसा ये मोम एंड डैड। तो वो लोग बहुत खुश हुए। अच्छा, तो फिर उन्होंने उधर से आए, सिंह साहब को कहा कि लड़का काम का है, काम कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप आओ रेगुलर प्रैक्टिस पे। तो पैसे तो नहीं मिलने वाले थे, बोला सर मैं डांस भी करता हूँ। तो उनकी एकेडमी चलती थी मोर भवन में, राइट ऊपर। तो उन्होंने भेजा मुझे वहाँ पर, तो मैंने डांस करके दिखाया, सारे काफ़ी पसंद आया। उस समय जो शेखर दास गुप्ता करके लड़का था और ये सब थे, तो उन्होंने बोला लड़का अच्छा है, इसको रख सकते कल से। तो मैं क्लासेस चालू किया 3 से 7, 500 रुपये महीना मिलता था मेरे को। क्या बात, शुरुआत हो गई मतलब 500 रुपये महीने से। और मैं वर्धमान नगर से आता था साइकिल से, मतलब साइकिल के पहले बस से आता था, लेकिन 1 रुपये 25 पैसे टिकट बस की आने की, 1 रुपये 25 पैसे जाने की, और 2.5 रुपये में दूध हाफ मिलता था वहाँ पर, क्या बोलते हैं, बर्डी में, अपने बर्डी में मोरबन बस स्टॉप के बाजू में एक बढ़िया ऐसा, बहुत बड़ी दुकान, अभी नहीं है, अभी नहीं है। उस समय मिलता था, एक पकौड़ा खा लिया, तो कुछ पैसे बचते नहीं थे, महीने के 150 रुपये बचते थे। तो फिर मैंने साइकिल लिया, साइकिल से आना जाना चालू किया। तो एक दिन ओपी सिंह सर ने मुझे, उनके यहाँ मिकी माउस के भी प्रोग्राम्स होते थे, तो एक दिन कोई नहीं आया, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया। मुझे ऐसा लगा यार मैं एक डांस टीचर हूँ, मैं साला मिकी माउस वगैरह क्यों पहनूंगा, कैसे अच्छा नहीं, इज्जत की बात है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा देख, तेरे को पैसों की जरूरत है और मास्क के अंदर कौन परफॉर्म कर रहा है ये किसको पता है। बिल्कुल सही कहा। और 60 रुपये तेरे को एक शो के मिलेंगे, एक शो के। और उस समय मिकी माउस का बड़ा क्रेज था, तो फिर ऐसे ही शुरू हुआ 60 रुपये शो के हिसाब से। कभी कभार ऐसा भी होता था कि मिकी माउस के शो के लिए मुझे उन घरों में भी जाना पड़ा जहाँ जो स्टूडेंट्स मेरे डांस के थे। बिल्कुल। और कभी कभी तो चॉकलेट चोरी का आरोप भी लगा। तो दिस वे मतलब आई स्टार्टेड माई लाइफ, लेकिन घर चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो मेरी ठीक है, घर चलाने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। लेकिन नाम बड़ा था, नाम बड़ा था, जिस भी स्क्वायर पे रुके, मैंने KB 100 खरीदी थी सेकंड हैंड 10,000 में उस समय, और उसके शॉर्ट हैंडल के काफ़ी फैशन था उस समय। तो मैं जिस भी स्क्वायर पे रुकता था तो सारे लोग पहचानते थे, वाह क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पर मतलब ऐसी चल रही थी लाइफ, इज गोइंग ऑन लाइक दैट। तो शगुन करके एक बहुत बड़ा मेला यहाँ पर लगा था, पहला नागपुर में कस्तूरचंद पार्क में, और वो मेला था वेडिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों का, बहुत बड़ा शगुन करके मेला था। पहला एग्जीबिशन था नागपुर शहर का, नागपुर शहर के लिए पहला एग्जीबिशन। उसके बाद तो बहुत एग्जीबिशन लगे, लेकिन इतना ह्यूज
पूरा कस्तूर पार्क में, जिसमें एंट्री फीस सब, एंटरटेनमेंट जोन सब सारा था। तो वो मेरा लास्ट शो था नागपुर में कस्तूरचंद पार्क में। तो बस बढ़िया 10 दिन के बढ़िया नाम वाम अच्छे फेम में, लेकिन पैसे नहीं मिलते थे। तो मेरी दादी बहुत उकता गई मेरे से, तो मेरा सूटकेस उठा के फेंक दिया, निकल बोले यहाँ से, बोले तू कोई काम का नहीं, बोले पढ़ा लिखा इतना सारा और क्या कर रहा है क्या कर रहा है। तब तक ये मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। एंड फिर मैं निकला वहाँ से, तो मेरे पास एक ही जगह थी रहने की, वो थी सिंह साहब का घर। तो उन्होंने मुझे एक साल सिंह साहब ने अपने घर पर रखा। फिर ऐसी वहाँ पर भी कुछ अनबन हो गई मेरी सिंह साहब से, नहीं ऐसी मतलब चीज़ों को लेकर, तो मैंने फील्ड ही छोड़ दिया। बोला यार जान दो, क्योंकि लोग बोलते थे कि बहन की शादी करना है तो क्या बताएंगे लड़का क्या करता है, नाचता गाता है, मतलब इस तरीके का, क्योंकि वो सोच थी उस समय। नाउ डेज इट्स रियली अ मॉडर्न थिंकिंग विद द पीपल, बट दैट टाइम इट वॉज वेरी, आई कांट ब्लेम दैम, क्योंकि उस समय का सिचुएशन सोच ही वैसी थी तब लोगों को। मैं उनको किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। तो मैंने म्यूजिक फील्ड ही छोड़ दी। मैंने कंपनी ज्वाइन की जॉनसन एंड जॉनसन एज एन एग्जीक्यूटिव, मतलब प्राइवेट 200 रुपये भत्ता, 200 रुपये सैलरी है, 400 रुपये, बाप रे बाप, उस समय बहुत बड़ी बात थी। मेरी पोस्टिंग कोल्हापुर हुई, मेरा दोस्त है भाई मुखर्जी, उसने ही वहाँ पर लगाया था ना, ही वॉज देयर विथ दैट कंपनी। मतलब वो उनका एक डिवीजन था संपर्क डायरेक्ट एंड प्रमोशंस, जो प्रमोट इन शॉप एक्टिविटीज, मॉल एक्टिविटीज, डायरेक्ट टू कस्टमर और ये सारी चीज़ें देखता था। और हम प्रमोट करते थे सैनिटरी नैपकिन को, कि भाई अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, सेल्स का काम नहीं था, सेल्स प्लस प्रमोशन। तो बस ऐसे ही करते करते 8 साल मैंने वो, क्या हुआ मतलब एक बहुत लंबी गैप हो गया ना नागपुर से लेकर तो वापस स्टेज में आ रहा, तो 8 साल। फिर वो दौर कब आया कि दोबारा फिर लगा कि नहीं चलो माइक हाथ में पकड़ दे? तो एक बार क्या हुआ, मैं सारी चीज़ें बिंदास बता सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल पक्का। तो मैं पार्ला ईस्ट में मेरा ऑफिस था, एंड दैट टाइम आई वॉज अ जोनल मैनेजर, आई वॉज लुकिंग आफ्टर गुजरात, MP छत्तीसगढ़, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड MP मध्य प्रदेश। एंड सैलरी वॉज वेरी मस्त, कोई बढ़िया मस्त लाइफ थी, कोई दिक्कत नहीं, 10 से 6 की ड्यूटी और बढ़िया काम, विजिट वगैरह। तो मैंने जॉनसन छोड़ के कुछ ही दिन हुए थे, मैंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल ज्वाइन कर लिया था वहाँ पर, क्योंकि मुझे और ज़्यादा अच्छा पैकेज, हाँ पैकेज नहीं, मुझे एक जगह ट्रैवलिंग नहीं करना था। 8 साल ट्रैवल किया मैंने, और 8 साल में पूरा इंडिया घूमा मैं, केरल छोड़ के रह के काम किया। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट पूरा, शिलोंग, शिलचर, अगरतला, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, इधर हिमाचल, इधर जम्मू, सब 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 पूरे एरिया, साउथ पूरा पूरा पूरा, तेलंगाना पूरा, हिंदुस्तान ने मतलब पूरा रह रहे के काम किया। हाँ यस, गुवाहाटी वाटी सब। तो उसके बाद मैंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल ज्वाइन किया। तो एक दिन ऐसे ही मैं पार्ला में ही था, उसका भी ऑफिस, तो मैं पार्ला ईस्ट के स्टेशन पे गया, वहाँ पर एक मधुबन करके बार था। अच्छा, तो शाम का समय था, मैं गया, बोला चलो एक बियर पी लेता हूँ, गया वहाँ, अगरबत्ती वगैरह लग रही थी, तो फिर मैंने जस्ट ऑर्डर किया। उन लोगों ने गाना शुरू किया था, उस समय कोई था नहीं वहाँ कस्टमर, तो और गाने का कीड़ा था, तो मैंने बोला भाई मैं क्या गाऊँ, एक दो बिंदास का, बोले ठीक है, गया। तो उत्ते में क्या हुआ, जैसे ही गाना शुरू किया वहाँ पर कस्टमर्स आ गए, और जो OP सिंह के यहाँ मैं प्रेजेंट करता था जिस तरीके से गाता था, तो मैंने गाने जिस तरीके से गाए, तो उन्होंने इतना पैसा लुटाया कि मतलब बहुत काफ़ी सारा ऐसा, मतलब वो तो मुंबई कल्चर कैसा है। फिर जब मैं जाने लगा तो उस होटल का मालिक आया, वो शेट्टी था, बोला सर आप रोज़ 1.5 घंटा आएंगे क्या? मतलब मैंने बोला मैं यहाँ पर जोनल मैनेजर हूँ, एक आधे कोई ऑफिस का बंदा वंदा इधर आके बैठ लिया, बोलेंगे क्या हमारा ऑफ बॉस मतलब बात में जाता है। तो मैंने उनको मना किया, नहीं, बोले आपको 1.5 घंटे का 2000 रुपये देंगे। बोला ठीक है, मैं सोचता हूँ बताता हूँ। बोला मैं भांडुप रहता हूँ। बोले आने जाने को ऑटो देगा, ठीक है। मैं घर गया, घर जाने के बाद सोचा कि बाय द वे कुछ हो गया और मुझे नागपुर वापस जाना पड़ा, यहाँ 70-80 हज़ार रुपये की सैलरी है, नागपुर में उस समय 10 हज़ार से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलेगी, बराबर, तो मैं करूँगा क्या अगर बाय द वे जा, मतलब ये थॉट था मेरे। तो मैं तो वहाँ पर नागपुर में एंकरिंग और इससे ही कमा सकूँगा, और मेरे दोस्तों के बहुत फ़ोन आते थे, यार आजा, एंकर्स की कमी है, तू आजा, ये कर ले वो कर ले, ठीक है। फिर बाद में
मैंने सोचा कि मतलब जाके मेरे गानों की प्रैक्टिस होगी, अपग्रेड होऊंगा मैं, मतलब ये नया नया सीखने मिलेगा। तो मैंने 6 महीना वहाँ पर गाया, मतलब आफ्टर जॉब 2000 रुपये पर डे भी मिलता था, ऑटो से घर भी जाता था, बाकायदा सब बढ़िया था। अचानक एक दिन मम्मी का फ़ोन आया, तो शी वॉज क्राइंग, रोने लगी। मैंने बोला क्या हुआ? तो फिर कुछ नहीं, मतलब मम्मियाँ तो यार बताती नहीं बच्चों को। सो देन आई डिस्कस विद माय वाइफ कि भाई क्या करना। मेरी वाइफ भी रिलायंस कंपनी में काम करती है, रिलायंस रिफाइनरी में एज एन कंसल्टेंट। क्या करना भाई, जाएंगे तो 10,000 से ज़्यादा की सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर अचानक मैंने फिर रिज़ाइन कर दिया कंपनी और हम लोग नागपुर आ गए, क्योंकि मेरी वाइफ ने बोला कि भाई देखो अपन जिस लेविश लाइफ में जी रहे हैं इतने पैसे हैं कि 2-3 साल काट सकते हैं, और मुझे इतना मालूम था कि मेरे पास अगर 6 महीने का भी टाइम रहा तो मैं नागपुर में कमाना शुरू कर सकता हूँ। देन वापस आया तो जैसे लोगों को मालूम पड़ा वापस आया तो काम मिलना शुरू हो गया, और मैंने क्या उस समय से ही मेरे पैसे बढ़ा के रखे हुए थे, मतलब 2000 रुपये लेना उस समय एंकरिंग के काफ़ी बड़ी बात होती थी। तो फिर ऐसा करते करते फिर एंकरिंग शुरू हो गई। एंकरिंग शुरू होने के बाद हर जगह मैं एंकर, हर जगह मतलब महीने में 40 शो करने लगा। अरे मतलब पहले मैंने 15,000 कमाया, दूसरे महीने 30,000 कमाया, अब ये सिचुएशन आ गई थी कि 1,20,000 18,000 15,000 ऐसे हर महीने का मेरा बजट था। क्या बात, इतना कमाता था उस समय। ये 2009 की बात बता रहा हूँ मैं, 2009 में। तो एक दिन उस समय इश्किया की टीम आई थी यहाँ पर नागपुर। हाँ, तो विलास मुत्तेमवार जी की पहली अहिंसा की दौड़ हुई थी, याद होगा ये अपने कस्तूरजन अहिंसा की दौड़, पहली मैराथन सबसे पहली। हाँ, तो मुझे फ़ोन आया था कि भाई तुमको एंकरिंग करना है स्टेडियम में, इश्किया की टीम आ रही है। फिर एक दिन पहले मुझे फ़ोन आया कि भाई देखो यार वहाँ तो आरजेज लोग रहेंगे तो तुम कस्तूरचंद पार्क में करो। अपने को क्या पैसे से, मतलब 3,500 रुपये मिल रहे हैं, काम करो कहीं भी खड़ा करो। बस वैसे ही तो कस्तूरचंद पार्क में मैं पहुँचा और जो माहौल किया सारे लोग, वो तो मतलब पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती है, ऊपर वाली की देन माँ जो है भगवती सरस्वती माता जो जिस तरीके से बैठ जाती और चालू हो जाता, तो पूरी पब्लिक पागल हो गई एकदम। उतने में 2 लड़कियाँ आई खूबसूरत सी मेरे पास, वाह वाह। हाँ, और बोले आप बहुत अच्छे एंकरिंग करते हो, यू शुड ट्राई फॉर आरजे। तो मैंने बोला वो सब फालतू की बातें, सब सेटल होता है काम, कोई आरजे आरजे सब सेटिंग होती है, बाहर वालों को नहीं रखते। तो बोले ऐसा नहीं है, यू कीप ट्राइंग। उस लड़की की बात मैंने सुन, तनुश्री नाम था, तनुश्री, और दूसरी लड़की जो थी वो थे आरजे सोनी, उसने मेरे को बोला। और मैं बता दूं आरजे सोनी आफ्टरनून शो करती थी जब मिर्ची नागपुर में आया था तब। यस, और बहुत फेमस आरजे थी। यस, तो उसने भी मुझे कहा कि यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन। बोला ठीक है, हो गया शो, निपट गया। तो उस समय विजय जैन मेरे दोस्त थे इवेंट वाले, वो मतलब सारे इवेंट वाले काम देते थे। तो निको ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के लड़के की शादी जायसवाल जी की बैंकॉक, बैंकॉक में थी पहली शादी, पहला मेरा पहला डेस्टिनेशन वेडिंग 2009 इंटरनेशनल। हाँ, यस, सीधे इंटरनेशनल। हाँ, सीधा पेंच पचमढ़ी कहीं नहीं, बैंकॉक। मतलब वेडिंग जो आजकल चल रही है ये हमने उस समय 2009 में मैंने डेस्टिनेशन वेडिंग में पहली बार मैं अब्रॉड ही गया। तो 5 दिन का शो था, बढ़िया मस्त किया, वापस आया मेरे पास, मैंने सेकंड हैंड एक मारुति 800 और राजन की वो मारुति बहुत खास थी, रेड कलर, रेड टोमेटो रेड कलर, कहीं भी जाओ पहचान में आओ आरजे राजन की गाड़ी है। वैसे आज भी मेरी जो गाड़ी है वो आरजे के पहचान वाली गाड़ी है, थोड़ी सी अलग तरीके की। तो बस मैं जा रहा था, रेडियो सुना तो मुझे मेरे दोस्त ने का फोन आया, और वो अमोल है। इसने मेरे को फोन करके बोला कि यार क्या राजन भाई तुम डाला सड़े सड़े लोग रेडियो में, बोला था वो, याद मुझे आज भी याद है। तो इसकी बात मुझे याद आ रही आई, और उतने में रेडियो पे ऐड बजी कि आरजे चाहिए घर मिर्ची। हाँ, मिर्ची का ऑडिशन। हाँ, चल रहे थे। यस, तो मैं बोला यार चल जाते हैं, शनिवार का दिन था, गया मैं। जाने के बाद जैसे ही गया तो वहाँ का कल्चर देखा पहली बार, वो लड़की आके गले मिल ली आरजे सोनी, बोले हाय कैसे हो ये हो, मैं बोला पहचान ली लड़की ने, क्योंकि रेडियो कल्चर और वो थोड़ा डिफरेंट अलग ही है, मतलब कल्चर ही अलग है। तो मैंने बोला आया हूँ इंटरव्यू के लिए, तो बोले अरे आप तो गलत दिन आए, शनिवार है आज, शनिवार रविवार छुट्टी रहती है।
ओके कोई बात नहीं, लेकिन मंडे को आना, बट ये मत बोलना कि आप हमको जानते हो। तो उससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली कि कभी भी किसी की पहचान दिखा के इंटरव्यू पे मत जाओ, शायद उस आदमी का उसके साथ अच्छा नहीं है। राइट, तो तुम्हारे रेफरेंस तो तुम भी निपट जाओगे। तो मैंने नहीं बताया, मैं मंडे को पहुंचा, उसने एक आध घंटा इंटरव्यू लिया, फिर वॉइस ओवर के लिए भेजा। तो वॉइस ओवर के लिए जैसे ही भेजा तो अंदर जो प्रोडक्शन वाला बंदा था वो मेरा काफी पुराना दोस्त था, उस समय मैं आईटी भी आई थी, चंचल जैब्स, यस चंचल सिंह जब्बल, तो वो एडिटर था वहाँ पर और आईटीवी में न्यूज रीडर था, 50 रुपए मिलते थे उस समय, मैं और मिताली नाग अफसर बिटिया और अभी कुछ एक और सीरियल आ रहा है उसका, काफी सारे सीरियल्स में एक हिस्टोरिकल सीरियल कर रहे हैं अभी। तो वो मिला रे कैसा ये वो, गले वले मिल लिया, बोले तेरे को क्या, बोले वाइजर तेरी टेस्ट लूँ ये लूँ वो लूँ, वहाँ के प्रोग्रामिंग हेड को बोला ये इसको ले लेना बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा वैसा नहीं पड़ गया। और मुझे मोबाइल का शौक तब से था, मेरे पास E63 मोबाइल था, उस पर भी मैं आऊँगा एंड में, तो वो एपिसोड अपन बाद में ही बताते हैं मोबाइल वाला। तो फिर उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ के जो सीनियर हैं उनका फ़ोन आएगा तो देख लेना। तो मैं नीचे गया NMC के पास, चाय की टपरी थी, चाय पिया मैंने, चाय पीते से ही फ़ोन आया मुझे, हाय हेलो, बोले कैसा, बहुत फॉर्मल सा इंटरव्यू था, लेकिन बोले नागपुर को कितना जानते हो, अब नागपुर बोले तो फूडी, रोड साइड फूड इतना प्यारा है। तो मैंने शुरू किया था मोरभवन बस स्टॉप से, क्योंकि मेरा काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस था, मेरी जिंदगी आधी हो गई है। तो दूध और पकोड़े से शुरू किया, उसके बाद पकोड़े वाले के पास गया, उसके बाद गणेश कॉटन मार्केट गया, उसके बाद जैन फरसान गया वर्धमान नगर, उसके बाद जायसवाल समोसा गया, पूरे नागपुर शहर के स्नैक्स गिना दिया। तो वो भी समझ गए होंगे कि मैं नागपुर का कोना कोना पता है। और रेडियो मतलब लोकल मीडियम, मतलब कि आप नागपुरी कितने, आप शहर के कितने हो, मतलब नागपुर के कितने। तो ऐसा हुआ, फिर उसके बाद फिर कोई फ़ोन नहीं आया। उससे मारुति ए स्टार और रिड्स जो है वो लॉन्च हुई थी, एक्टिविटी चल रही थी। हाँ, ये मैं उसी के लिए एंकरिंग कर रहा था। तो एक महीना हो गया, दो महीना कोई फ़ोन नहीं आया, मेरे को लगा हो गया। मैंने फ़ोन किया एक दो बार कि भाई क्या हो गया, कोई गलती बताओ, मैं राइट सुधारूँ नेक्स्ट टाइम, पर कोई रिस्पांस नहीं था। तो मैंने छोड़ दिया, बोला यार ये ऐसे ही है, हमेशा के लिए छोड़ दो, अपने काम धंधे पे लगो, पैसा कमाओ, घर चलाओ। तो अजनी चौक जो है अभी घड़ी जहाँ पर लगी हुई है, वहाँ पर मेरी प्रमोशन की एक्टिविटी चल रही थी। अचानक दो महीने के बाद मेरे को फ़ोन आता है कि हाय मैं HR से बोल रही हूँ, आपका कल स्काइप इंटरव्यू है। बोले आपको स्काइप तो आता है? मैं क्यों ना बोलूँ, मैं हाँ आता आता मुझे आता तब शायद तू भी गांधीनगर में रहते थे। रिलायंस का तो गांधीनगर में ये भी था, और इससे पूछा मैंने तो बोले तू एक काम कर नीचे आ जा वहाँ पर वेब वेब, तब वही से किसी को फीड भी भेजना हो न्यूज की तो वही आते थे लोग। तो मैं मेरे दोस्त के साथ गया, तो जो नेट कैफे था उसकी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं थी, तो उस समय रिलायंस का वेब वर्ल्ड चालू हुआ था शंकर नगर चौक पे पहली बार, जहाँ पर अभी दास ज्वेलर्स है, yes, विशाल जी के। तो वहाँ गया मैं, उसको बोला भाई अगर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया ना मैं तेरे को मिठाई खिलाऊंगा। तो स्काइप पे चालू हुआ इंटरव्यू, इंटरव्यू जो ले रहा था उसने कुछ नहीं पूछा, कैसे हो क्या नहीं हो, कितने लोग हैं घर पे, क्या अब एकदम नॉर्मल इंटरव्यू इंटरव्यू। फिर अचानक से एक सवाल आया कि वाई आई हैव टू हायर यू, हमको तुमको हायर क्यों करना। अब देखिए क्या होता है, जब आप इतने सालों तक स्टेज करते हो ना तो आप में वो परिपक्वता आ जाती है कि आप इंस्टेंट जवाब देना शुरू कर, बिल्कुल बिल्कुल हाजिर जवाब ही। हाँ, तो मैं दो मिनट सोचा और उनसे पूछा, फीमेल थी, उनसे पूछा कि आपकी शादी हो गई, तो बोले नहीं। तो मैंने बोला हाउ मच यू लव योर मॉम, तो बोले बहुत ज़्यादा। बोला स्टिल नॉट कन्विंस्ड, से दिल पे हाथ रख के बोलो आई लव माई मॉम। तो बोले वाई शुड आई हैव टू डू दिस, हाँ कि भाई आई लव, मैं बोला जस्ट बताओ आप अपनी माँ को कितना प्यार करती हो, जो प्यार करती हो तो। बोला स्टिल नॉट कन्विंस्ड, जो अपनी माँ से सच्चा प्यार करता है खड़ा होकर बोलता है आई लव माई मॉम। तो शी स्टैंड्स एंड शी टोल्ड मी आई लव माई मॉम, बोला दैट इज़ वाई यू हैव टू हायर मी। हंसने लगी हूँ मैडम। और बस शाम को ही फ़ोन आया कि भाई आपको परसों से ही ज्वाइन करना है। मैं बोला परसों से कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, मेरा नवरात्रि का सीज़न था, मैंने शोज लेके रखे हैं। बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप शोज भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई रेडियो जर्नी, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट था, एक साल
मतलब मैंने बाहर के स्टेज शोज छोड़ दिए थे जहाँ मैं 1.25 लाख कमाता था, मेरी सैलरी 25,000 रुपये थी, तो मेरी मम्मी बड़ी खुश थी। वही है एक टिपिकल महाराष्ट्रीन फैमिली सोच कि 25,000 मिल रहा है उसमें खुशी है, लेकिन मैं जो 1.25 लाख कमा रहा था उसमें खुशी नहीं। मतलब नहीं, मतलब नौकरी चाहिए। और लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ठीक है, तो मैंने 1 साल बाहर कुछ भी शोज नहीं किए, और मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क इसलिए था क्योंकि स्टेज पे रोज लोग बदलते हैं, आप वही रहते हो, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं, आप वही हो, रेडियो में आपको रोज बदलना है, लोग वही राइट। ये बहुत बड़ा टास्क होता है, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय रेडियो जर्नी। नाउ अब काफी बड़े शोज भी किए हैं, इंडियन प्रो म्यूजिक लीग, स्टार शोज, बहुत सारे, बस इस तरीके से जर्नी है। आज 12 साल हो गए रेडियो में, बस प्यार से सब लोग जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इस जर्नी में लोग, तो मेरे ख्याल से ओपी सिंह बहुत खास रहे, मेरे गॉडफादर, गॉडफादर है। कभी ऐसा मौका आया कि चूज करना पड़े स्टेज और रेडियो, तो क्या चूज करेंगे फिर? देखो, दोनों इंटरकनेक्टेड है मेरे भाई, क्योंकि आज के ज़माने में डिजिटल माध्यम के कारण आपको ऑन ग्राउंड जाना पड़ता है। एक वक्त था जब रेडियो सिर्फ सुनाई देता था, सीमित था, दिखता था, तो अभी दोनों इंटरकनेक्टेड है, इसमें कोई चूज़ करने वाली बात नहीं है। अगर मैं इसको भी चूज़ करूँगा तो वो रहेगा, उसको भी चूज़ करूँगा तो ये रहेगा, ऐसा सीन। और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जब राजन रेडियो मिर्ची के लिए काम करते तो बड़ा हेक्टिक शेड्यूल हुआ करता था, बहुत कम लोगों को पता होगा कि शोज़ करने के बाद राजन स्टूडियो में ही सोया करते थे, सुबह का शो हुआ करता था, फिर शो करते थे, कई बार रात भर ट्रैवल करते थे रायपुर, कई बार हमने साथ में ट्रैवल किया, तब कैसे मैनेज करते थे? थोड़ा डिफिकल्ट तो होता होगा, तब घर वाले को क्या रिस्पांस था, क्या रिएक्ट कर रहे थे? नहीं, मेरा कैसा था कि मैं बहुत कम घर पे रह पाता था, मेरे गाड़ी में ही मेरा बैग रहता था, स्टिल आज भी कुछ दिनों तक तो गाड़ी में ही बैग रहता था, बस वहीं चेंज किया चला, ऐसा है। वो तो पुराना चलते आ रहा है, आज मुझे 6.5 साल हो गए माय एफएम में, तो यहाँ के लोगों ने भी बहुत प्यार किया है, और यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया है शोज़ के लिए। इन्होंने जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर मैं जाता हूँ तो मुझे छुट्टी मिलती है, मुझे प्रमोट करते हैं सारी चीज़ें। अगर हम लोगों ने खासदार सांस्कृतिक महोत्सव देखा तो कई सारे बड़े इवेंट्स में राजन ही हमको नज़र आता है, बाकी तो कोई दिखता ही नहीं, नहीं। अभी मैंने इसलिए भी कम कर दिया अमोल, क्योंकि आज की न्यू जनरेशन है, मैंने एंकरिंग फिलहाल बंद कर दी मेरी, सिर्फ बैंड के शोज़ करता हूँ मैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जिनको प्यार के खातिर जाना पड़ता है तो करता हूँ। मैंने संगीत के भी शोज नहीं के बराबर कर दिए, क्योंकि यंग जनरेशन है, आज उनको भी जरूरत आना चाहिए और उनको भी सामने आना चाहिए, इसीलिए तो मैंने मेरा मेजर फोकस जो है वो मेरे म्यूजिकल बैंड पर रखा है। कई सारे लोगों को खानों का शौक होता है, कई सारे लोगों को पीने का शौक होता है, राजन को 3 शौक है मेरे हिसाब से, एक तो गाड़ियों का, दूसरा मोबाइल फोन्स का, और तीसरा कपड़ों का। और राजन को जो वॉचेस का भी शौक था, पर जो सपना था वो शायद पूरा होगा, राजन को जो वॉच चाहिए थी राजन ने ले ली थी, तो ये थोड़ा बताओ, मैंने देखा कि बहुत सारे मोबाइल बदलते हो, इतने पैसे कहाँ से आते हैं? हर बार नया फ़ोन रहता है राजन के पास, हर बार ये देख मैंने ये खरीदा है, तो वो कहाँ से आता है? एक्चुअली देखो, एक वक्त होता है जब आप थोड़ी सारी चीज़ें सेटल्ड हो जाती है, तो अगर एक एक्स अमाउंट आपको मिलता है तो उसके डिवीजन कर लेने चाहिए, एक पार्ट जो आपके फैमिली को जा रहा है, एक पार्ट जो आपके ग्रूमिंग पे जा रहा है, ठीक है, और एक पार्ट जो आपके सेविंग पे जा रहा है।
तो वो जो ग्रूमिंग का पार्ट है, वो जो हिस्सा है, उसके साथ ही मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। क्या बात है। क्योंकि आप स्टेज पे हो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, स्टेज पे आपका दिखना बहुत ज़रूरी और आपका तरीका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे कपड़े पहने हो, ये ज़रूरी ये है कि आप किस तरीके के कपड़े पहने हो। क्योंकि आज मुझे मैं कभी किसी की सुना नहीं, मुझे जो पसंद आया मैंने किया, क्योंकि वो मेरे लिए कर लो, मैं किसी दूसरे के लिए क्यों बदलूं अपने आप को। तो मेरी यही सोच रहेगी कि हम आधा समय लोगों की सोच के वजह से पीछे रह जाते हैं। नहीं बिंदास, मैं कभी भी येलो के साथ ऑरेंज कुछ भी पहन लेता हूँ, वो मेरा आई एम अ ट्रेंड सेटर। कभी भी सोचो कि आई एम अ ट्रेंड सेटर, बात खत्म। पर वही हुआ, फिर राजन को देखकर लोग फॉलो करने लगे, वैसे ही कपड़े पहनने लगे, लाल पीले नीले। ये पूछना चाहूँगा मैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो आज रेडियो में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है जो आपको सुनते हैं और भी आरजेस को सुनते हैं, तो हाउ इट्स डिफिकल्ट, और अगर आपको रेडियो डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करें? नहीं देखो, एक वक्त था जब रेडियो इनिशियली शुरू हुआ था, तो उस समय इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, उस समय व्हाट्सएप भी नहीं था जब नया रेडियो फर्स्ट वे चालू हुआ। उसके बाद इन 12 सालों में रेडियो में ड्रास्टिक चेंज आए हैं, इंस्टा आ गया है, फेसबुक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यूट्यूब के माध्यम से लोग कमाने लगे, रेडियो में भी बहुत सारे चेंजेस हैं। लेकिन रेडियो एक ऐसा मीडियम है कि जहाँ पर आपको कम समय में बहुत सारी चीज़ें बोलनी है, आपके पास सिर्फ एक सवा मिनट है, बिल्कुल उस सवा मिनट में आपको पूरी कहानी बतानी है। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है और लोगों को लगता है कि रेडियो मतलब बोलना ही तो है, बोलना नहीं होता सर, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। अमोल बहुत अच्छे से जान सकता है कि लिखना पड़ता, कुछ भी नहीं बोल सकते हम, हमें उसकी परमिशन लगती है। दूसरी बात, रेडियो इज़ अ इंफोटेनमेंट चैनल, न्यूज़ चैनल नहीं है, तो आपको इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन के साथ इंफोटेनमेंट देना पड़ता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आप दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं, अरे आरजे ही तो है बोल लेगा, ऐसा नहीं होता हर किसी के। अब जैसे ये इंटरव्यू कर रहे हैं, आपका जो चैनल है विदर्भ की बात, मतलब उसमें भी कितनी सारी चीज़ें हैं। देखो पीछे कैमरामैन हमारे दोस्त हैं, वो शूट कर रहे हैं, इधर से माइक लगे हुए, तो हर कड़ी जुड़ी हुई है। तो आरजे ही मतलब सिर्फ आरजे ही नहीं है, रेडियो फील्ड में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ जा सकते हैं आप, कॉपीराइटिंग के लिए जा सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए जा सकते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए जा सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो आरजे सिर्फ लोगों के सामने आता है इसलिए वो चुनना मेरे हिसाब से गलत है, और डिफ़िकल्ट टास्क भी है और आसान टास्क भी है। लेकिन आप आज के यंगस्टर क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में जहाँ से जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल जाए वहाँ जाना चाहते हैं। मेरा यही कहना है कि अगर आपका सच में पैशन रेडियो है तो आप रेडियो करो। बहुत सारे लोगों को ये सवाल आता है कि राजन जब आरजे हैं तो लिंक कैसे बोलते हैं, मतलब बोलते कैसे हैं राजन? तो मैं चाहूँगा ज़रूर आज कैमरे के सामने आप पहली बार लिंक करते हुए दिखाई दे हमारे दर्शकों को कि राजन जब बोलते हैं तो रेडियो पे बोलते कैसे। माइक भी है हमारे पास, सब कुछ रेडी है, तो मैं चाहूँगा ज़रूर। ओके और राजन गाना भी बहुत अच्छा गाते, तो राजन से हम कोई गाना भी सुनेंगे उनका पसंद का, तो ऐसे बहुत सारे सवाल है, फिलहाल तो लिंक सुनते हैं हम। 94.3 माय एफएम सुन रहे हैं आप, माहौल मॉर्निंग प्रेजेंटेड बाय रोकड़े ज्वेलर्स। हाँ जी भैया, राजन के साथ हैं आप, माहौल मॉर्निंग है, सुबह सुबह का ये वक्त चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं आपको कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से विदा तो हो गई, लेकिन आपको बता दूं जाते जाते जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए 500 पुलिस वाले थे, उन्होंने 27 लाख रुपए की बिरयानी खा ली। 27 लाख रुपए की बिरयानी, मतलब 27 लाख डिवाइडेड बाय 500 यानी 5400 की पर पर्सन ने बिरयानी खाई है। वाह जी वाह। कुछ तो लोग कह रहे थे कि भाई जितनी पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है उतनी वहां के पुलिस वालों ने बिरयानी खा ली। कोई बात नहीं, बिरयानी और मौसम, जिस तरीके से बरसात हो रही है, मौसम बहुत अमेजिंग है, मुझे भी बिरयानी खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन मैं तो वेजिटेरियन आदमी हूँ। हमारे नागपुर शहर में बिरयानी बाय किलो मिलती है, हाँ एक किलो के हिसाब से, आधा किलो के हिसाब से बिरयानी मिलती है। आपको पता नहीं था ये डेस्टिनेशन कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ, रामनगर जाइएगा, बिरयानी बाय किलो, वहाँ पर जाइएगा ऑर्डर कीजिएगा, वहाँ पर खाने नहीं मिलेगी, आपके घर आकर खिलाते हैं वो बढ़िया गर्म करके। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ आरजे राजन।
तो क्या बात है, तो ऐसे होती है। और ये कंटेंट इनका शायद हो चुका होगा इसलिए इतना आसान लगा आपको, इतना आसान होता नहीं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, उसमें फिर एक बार इम्प्रोवाइजेशन होता है और फिर भाई हम ऑन एयर आते हैं। जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं कि गाते भी हैं हमारे भाई साहब। और मैंने शुरुआत में ही कहा था जब हम निकले थे ऑफिस से कि आज एक ऐसी आवाज़ से हम आपको मिलाएंगे जो गाता भी है, जो डांस भी करता है, एंकरिंग भी करता है और 100% परफॉर्मर है। तो मैं चाहूँगा, गाने तो आप कई सारे सुनते हैं और कई सालों से सुनते रहे, कई सारे किस्से कहानियाँ, चांदनी रातें ये शो जो है वो भी राजनी करते हैं। हाँ, नेशनली मैं 32 स्टेशन के लिए रेट्रो का शो करता हूँ। तो सबसे खास बात कि बहुत ही म्यूजिक तो मतलब ऊपर ऊपर ही होता है, तो इनका तो बहुत ही गहरा संबंध जो है वो म्यूजिक के साथ है। तो राजन जी, मैं ये कहूँगा बहुत सारे लोगों के गाने सुनते हैं, आपके फेवरेट सिंगर्स कौन है अगर पूछा जाए ये सवाल? तो देखो, मैं तो जिनको फॉलो करता हूँ पहले से वो है किशोर दा, बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ उनको। और साथ ही साथ जो अगर आज के जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो अरिजीत सिंह इज़ वेरी सुपर सिंगर। जो जिस तरीके के मतलब क्या है उनके वैरायटीज़ हैं, बहुत अच्छा लगता है। आजकल कौन सा ऐसा गाना है जो आपके दिल के बड़े करीब है, हर शो में जाते तो गुनगुनाते हैं, कौन सा गाना है नेत्रा बैंड जो लोगों को सुनाता है? बिल्कुल, एक हो गए हम और तुम तो उड़ गई निंदेरे, और घन की पायल मस्ती में तो कंगन खन के रे, हम्मा 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 हे हम्मा 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 हम्मा, यूं पहली बार मिले तुम पे दम ये निकले, तुम पे ये जवानी धीरे धीरे मादाम मछले रे, हम्मा 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 ए हम्मा। क्या बात है। और राजन को जब आप लाइव सुनेंगे तो नाचने का भी मन करेगा, फिलहाल तो घर पे टीवी देख के नाच लीजिए आप लोग। मैं आखिरी मतलब शो के ही आखिरी पड़ाव में कुछ गिने चुने ही मेरे सवाल हैं। डिफ़िकल्ट होता होगा, शोज़ भी करते हैं, काम भी करते हैं, फैमिली भी, और एक पर्सनल लाइफ भी, मैं कहूँगा पर्सनल लाइफ फैमिली में आ जाती, तो मैनेज कैसी हो जाती है सारी चीज़ें, क्योंकि 7 बजे 6 बजे यहाँ का काम शुरू हो जाता है और शोज़ चलते हैं रात को 11 12 1 बजे तक। नहीं, अभी 10 बजे तक चलते हैं ऊपर वाली गवर्नमेंट से। पहले कैसा होता था कि पहले शो ही शुरू 9 बजे होता, अभी भी होते हैं कई जगहों पर होते हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं है, देखिए हर कोई इंसान बराबर बराबर चीज़ों को मैनेज कर सकता है, बशर्ते उसने प्रायोरिटीज डिसाइड कर लेनी चाहिए, फैमिली को कितना टाइम देना है, कितना क्या करना है। देखो आज भी मेरे चेहरे पे, मुझे दोस्त लोग बोलते हैं यार तू इतना हैप्पी क्यों रहता, थकता नहीं क्या? देखो थकान उसको होती है जो मन मार के काम करता है, जो महसूस करता है मैं थक चुका हूँ। हाँ, अगर आप में चाहत है, आप में इच्छा है और आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है तो आप कभी थकोगे ही नहीं, नेवर। मैं 3-3 घंटे सिर्फ सोया हूँ और काम किया, लेकिन चेहरे पे वही फ्रेशनेस। तो अगर आपका कोई मन लाइक काम रहता ना तो उसमें कभी थकावट महसूस ही नहीं होती। ये बात भी सही, सीन ये है। तो बस आप डिसाइड कर लो अपनी प्रायोरिटीज क्या है, कितना समय घर को देना, कितना समय ऑफिस, कितना क्या, तो आसान है। थोड़ा समय सो भी लिया करो। नहीं, आजकल सोता हूँ लॉकडाउन के बाद से। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, मुझे ऐसा लगता नहीं कि जिंदगी का कोई ऐसा सपना होगा जो तुम्हारा पूरा नहीं होगा, फिर भी ऐसा कोई एक चीज है जो अचीव करना चाहते हो जिंदगी में, ये रह गई, ये करना चाहिए? देखो हर इंसान के सपने कभी पूरे नहीं होते दोस्त, राइट? कभी नहीं पूरे, कुछ ना कुछ तो बाकी रहे, जैसे छूट जाता है। जैसे किसी के पास मोटरसाइकिल है तो बोलता कार चाहिए, कार वाले को बड़ी मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज वाले को जेट चाहिए, जेट वाले को कुछ और चाहिए। आपकी इच्छाएं कभी मतलब कंप्लीट नहीं हो सकती। हाँ, बस मुझे इतना अपने आप को मतलब नागपुर में तो सभी जानते हैं, बाय द वे बहुत सारे लोग जहाँ शोज करता हूँ जानते हैं, मुझे मेरे बैंड को इस तरीके से इस्टेब्लिश करना है कि मैं उस एक पर्टिकुलर ब्रांड बन जाए। बिल्कुल, बस वही एक सपना। क्या बात है। तो हम दुआ करते हैं जो इनका ब्रांड वाला सपना है और जो ब्रांड को ये ब्रांड बनाना चाहते हैं वो ज़रूर बने। इनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और जवान जो है वो होते रहें, ऐसे ही हम लोगों को एंटरटेन करते रहें, हंसाते रहें और स्टेज पर दिखते रहें। तो सबसे पहली बात तो इतने शॉर्ट नोटिस पर टाइम दिया, हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने मुझे इतना प्यारा मौका दिया मेरी खुद की कहानी आप तक पहुँचाने का। ये देखिए, ये सारी चीज़ें लाइफ में हर किसी के साथ होती है, कोई बता पाता है, कोई नहीं बता, राइट?
तो शायद मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी कहानी भी कुछ इस तरीके की होगी। और मैंने कहा था कि पर्दे के पीछे के राजन से आपको मिलाएंगे और आशा करते कि एक नए राजन से आज आप रूबरू हुए होंगे, जिसे आप हमेशा स्टेज पर देखते थे, उससे आज का राजन थोड़ा अलग होगा। तो अगले देसी कलाकार के इस एपिसोड में ऐसा ही कोई और एक नया कलाकार होगा जिसकी पूरी जिंदगी के बारे में हम जानेंगे पर्दे के पीछे से। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और सारे नियमों का पालन कीजिए। SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, क्या बात है। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए VKB न्यूज़।